हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनोद कुमारी, सात्विक रसोई की एक और कुकिंग अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कुल्थ की दाल। कुल्थ की दाल के बहुत सारे औषधीय गुण हैं और किडनी स्टोन में इसका प्रयोग भी किया जाता है, और जिनको किडनी स्टोन है वो सूप के रूप में इसको पी सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कुल्थ की दाल कैसे बनाई जाती है। कुल्थ की दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल कुल्थ का लिया है, और तड़का पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर दो टमाटर, दो हरी मिर्च जो कि लाल हो चुकी है, एक अदरक का टुकड़ा, एक चम्मच मैंने हल्दी ली है, एक से डेढ़ चम्मच मैंने नमक लिया है। और ये दाल खट्टी अच्छी लगती है तो इसके लिए मैंने एक गलगल लिया है, लेकिन ये सारा गलगल नहीं डालूँगी, इसका हाफ ही डालूँगी। और कुल्थ देखने में अलग अलग तरह की होती है, तो ये वाली कुल्थ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पाई जाती है, जो कि नूरपुर एरिया में वहाँ की लोकल दाल है, और ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में पाई जाती है। इसका कलर इस टाइप का होता है, और ये आम हर शॉप पे इस टाइप की दाल मिलती है। तो आज हम जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में मिलती है ये दाल हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दाल को अच्छे से वॉश करेंगे और उसके बाद इसको डालेंगे। दाल को मैंने अच्छे से धो लिया है, और पानी मैंने पहले ही रख लिया था, ये गर्म हो चुका है पानी। नॉर्मली इस दाल को बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस दाल को कई लोग जो है वो भिगो के बनाते हैं। 3 से 4 घंटा भिगोने के बाद भी इसमें 7 से 8 सीटी आपकी नॉर्मल प्रेशर कुकर में लगती है, और मेरे प्रेशर कुकर में यहाँ पर मैंने अब लिड लगा रही हूँ नमक डाल के, तो इसमें जो टाइम लगेगा जैसे ही इसमें प्रेशर क्रिएट हो जाएगा उसके बाद टोटल 20 मिनट इस दाल को हम उबा लेंगे। अभी हम तड़का पार्ट करेंगे, गैस मैंने ऑन कर ली है, तो इसमें 2 बड़े चम्मच हम ऑयल के डालेंगे। सरसों के तेल में ये दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब तेल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें मसाले डालेंगे, तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि दाल हमारी कितनी अच्छे से उबली है। बहुत अच्छे से हमारी दाल 20 मिनट में ये उबल चुकी है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। इसके साथ ही हमने जो मिर्ची और टमाटर का और अदरक का जो टुकड़ा लिया था उसका हमने पेस्ट बना लिया है। और जो लोग यहाँ पे प्याज लहसुन खाते हैं वो यहाँ पर अपना प्याज और लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, और टमाटर उसके बाद डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से पकने देंगे, और इसके साथ ही हम थोड़े और मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और थोड़ी सी हम इसके अंदर हींग डालेंगे। और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। जैसे हमारा तड़का भूनता है तब तक हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी दाल को हम एक बाउल में निकाल लेंगे, और जो बाकी दाल है उसको अच्छे से हम ग्राइंड कर देंगे, बिल्कुल इसको मैश कर देंगे। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, अब हम ये 2 बड़े चम्मच खट्टे के इसमें डालेंगे, जो गलगल का खट्टा मैंने निकाला था वो 2 बड़े चम्मच इसमें ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद हम ये जो दाल निकाली हुई थी इसको भी ऐड कर देंगे। 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे। Thank you.
दो मिनट भूनने के बाद हम बाकी का जो दाल का पानी है जिसको हमने ग्राइंड किया था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब दो से तीन मिनट तक इसको अच्छा सा उबाल आने देंगे, उसके बाद हमारी दाल तैयार हो जाएगी। दो से तीन मिनट ये अच्छे से दाल उबल गई है। अब हम इसके बीच में थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और हमारी दाल बहुत अच्छे से बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो कुल्थ की दाल हमारी बनके तैयार हो चुकी है। इस दाल को आप चपाती, राइस किसी के साथ भी खा सकते हो। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो हफ्ते में एक या दो बार इस दाल को ज़रूर खाना चाहिए। तो इन सर्दियों में आप भी इस दाल को ज़रूर ट्राई करें। और आपकी दाल कैसे बनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।